लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह दोपहर बाद अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए डुमरखा कला के राजकीय स्कूल के बूथ नंबर 1 पर पहुंचे। यहां पर उनके साथ उनके बेटे पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह, पूर्व विधायक प्रेमलता सिंह के अलावा पुत्र वधु जसमीत कौर एवं पोता पोती भी वोट डालने के लिए पहुंचे। पूर्व विधायक प्रेमलता सिंह ने कहा कि मतदान देना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे देश का भविष्य तय होता है। आपका मतदान सबसे ज्यादा जरूरी है, आपके देश के लिए, आपके खुद के लिए, और यह सोच समझ कर मतदान करना चाहिए, वो चाहे पार्टी के लिए हो, चाहे कैंडिडेट के लिए हो। मैंने पहला वोट जब डाला था, जब चौधरी वीरेंद्र सिंह ने चुनाव लड़ा था, 1972 की वो बात है जिसके बाद से लगातार वोट डालते आ रही हूँ। पहले कांग्रेस को डालते थे, फिर बीजेपी के डाले, अब फिर से कांग्रेस के हो गए। हमने कैंडिडेट नहीं देखा, हमने पार्टी देखी है। हमारे लिए पार्टी बड़ी है, कांग्रेस पार्टी में हम आए हैं, इससे घर वापसी कह लो, कुछ भी कह लो, और हमारा फर्ज भी बनता है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए उसी पार्टी को वोट दें। 4 तारीख को पता लग जाएगा कि किसकी कितनी वोट है। ईवीएम को पहली बार ध्यान से देखा, सबसे पहले जेपी का नाम था, सुनैना नैना चौटाला का भी नाम था, हमने अपना फर्ज निभाया। आह्वान यही है कि ये जो लोकतंत्र का जो पर्व है वोटिंग वाला दिन, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मत का प्रयोग करें और जिस भी पार्टी को, जिस भी कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से उसका अपना मत का अधिकार करें, ताकि जो हमारा लोकतंत्र है उसे मजबूती मिल सके और जो भी आने वाली सरकार हो उसको भी मजबूती मिल सके। एक सुंदरपुरा गांव में क्या नाम, गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर रखा है, उनका कहना है कि चाना की बजाय उन्हें नरवाना में शामिल किया जाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि चुनाव का बहिष्कार करना तो कोई ठीक बात तो है नहीं, बल्कि अपना मत प्रयोग करके आप जो चीज़ है उसके उसके प्रति अपनी बात ज्यादा बेहतरी से समझा सकते हैं। मैं पहली बार नहीं पहुंची, पहली बार नहीं, आप मतदान करने पहुंचे हैं। जी, पहली जी। बार तो क्या मेरी मेरी महिला शक्ति से यही अपील है कि आएं और वोट करें। अब तो अपने घर के कामों से भी फ्री हो गई होंगी इस टाइम पे, तो निकलें घर से बाहर और आके वोट करें। शाम तक का टाइम है और अपने अधिकार का प्रयोग करना बहुत जरूरी है, खासतौर से महिलाओं के लिए। धन्यवाद। देखिए, मतलब हम हर बार एक बात कहते हैं कि मतदान देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे देश का भविष्य तय होता है। पहली बात तो आपका मतदान जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके देश के लिए, आपके खुद के लिए, और सोच समझ के मतदान देना चाहिए, चाहे वो कुछ फिर चाहे पार्टी के लिए हो, चाहे कैंडिडेट के लिए हो। और हम तो हमेशा, जब से मेरा पहला, जब मैंने वोट डाला था, तब तो जब वीरेंद्र सिंह ने पहला इलेक्शन लड़ा था, और ये मेरी बात है 72 की, और अब तब से रब तक वोट ही डालते आ रहे हैं। पहले कांग्रेस ही डालते थे, फिर बीच में बीजेपी के, फिर से कांग्रेस के हो गए। हर बार मतलब आप अपने परिवार के लिए भी मतदान करते थे, अब की बार मतलब दूसरा प्रत्याशी चुनावी मैदान में, तो क्या? हमने कैंडिडेट नहीं देखा, हमने देखा पार्टी, कि हमारे लिए पार्टी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में हम आए हैं, घर वापसी कह लो, कुछ भी कह लो, और फिर हमारा फर्ज भी बनता है कि हम मतलब पार्टी को मजबूत करने के लिए उसी पार्टी को वोट। पिछली बार आपने वीरेंद्र सिंह को वोट दिया था और यहाँ पे खड़े थे, इस बार मतलब उनकी जयप्रकाश की जीत की राह आसान नहीं लग रही क्षेत्र से? ये तो टाइम बताएगा, 4 तारीख को पता लग जाएगा किसकी कितनी वोट है। और जहाँ तक मेरी अपनी बात, मैं तो अपना ही बता सकती हूँ, पहली बार मैंने एक एक वोट के देखा कि जेपी का सबसे ऊपर नाम था, तीसरे नंबर पर नैना चौटाला का था, फिर सुनैना का था, और बहुत कैंडिडेट थे, और फिर उसके बाद वो नोटा का भी मैंने देखा जिसमें क्रॉस का निशान बना हुआ है, लेकिन हमने अपना फर्ज निभाया। तो क्या कहना चाहेंगे कि एक एक वोट मायने रखता है और सबके लिए वोट डालना बहुत ज़रूरी है, बस यही कहना चाहूँगा। अपना अपना वोट सोच समझ के दीजिए और ठीक कैंडिडेट को दीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं भी यही बात कहूँगी कि मतदान करना हमारा अधिकार है और हमें इसका बेहतर से बेहतर प्रयोग करना चाहिए। आपने भी, आपने पहले भी मतदान किया है? जी नहीं, ये मेरी पहली बार है। तो कैसा लगा पहली बार मतदान किया? बहुत अच्छा लगा, और थोड़े ही टाइम में असेंबली के चुनाव में भी फिर जरूर आएंगे वोट। युवाओं को क्या अपील करना चाहेंगे? जैसे आप भी उन्हें यही कहेंगे कि चाहे जहाँ भी वो रजिस्टर्ड हो, उन्हें जरूर प्रयास करना चाहिए कि वो जाएं और अपने अधिकार का प्रयोग करें।
ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।